नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी के पर। दोस्तों आज देखेंगे इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस में 30 तारीख को एग्जाम के क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में अवेलेबल हो पाएँ सारे के यहाँ पर सॉल्यूशंस देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये कि केरल के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, तो वो है पिनरई विजयन। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले दिनों में और भी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पूछ सकता है। तो आप सब लोग जल्दी से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर याद कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ पर आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए, इस चीज़ को इग्नोर मत किया करिए, क्योंकि आपने साल भर भी नहीं पढ़ा है, तो स्मार्ट स्टडी करिए। जो चीज़ पूछी जा रही है उसके आसपास की चीज़ों को ये सोच कर मत टाल दीजिए कि ये पूछा गया है तो अब शायद ना पूछा जाए। उसके आसपास दाएं बाएं जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़रूर पूछी जा रही हैं, आप खुद से चेक कर सकते हैं। पहले भी मुख्यमंत्री पूछे गए थे, अगर आपने रिवाइज कर रखा होता तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आते। तो अब मत इग्नोर करिए, इसको पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन था गुजरी महल किसने बनवाया था, तो गुजरी महल जो एमपी का है राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। तो एमपी में जितने भी महल हैं उनको भी रिवाइज कर लीजिए, ये क्वेश्चन 100% आना है। गुजरी महल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, गुजरी महल राजा मान सिंह ने बनवाया था, लेकिन ये है कहाँ पर, तो ये ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर से थोड़ा आउटर में ये महल बना है, और इसकी स्टोरी थोड़ी सी समझ लेते हैं। क्या था कि वहाँ के जो राजा मान सिंह थे वो उन्होंने गुजरी नाम की एक महिला से शादी करी थी जो कि ग्वालन थी, तो इस वजह से उन्होंने जब उनसे शादी की तो वो छोटे वर्ग की होने की वजह से उनका महल प्रॉपर ग्वालियर में ना बना के ग्वालियर से बाहर बनवाया गया था। ये रहा उनका महल, और आप यहाँ पे घूमने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप इस तरीके की जितनी ट्रॉफियां होती हैं खास करके क्रिकेट से रिलेटेड, जितनी क्रिकेट और फुटबॉल से रिलेटेड जितनी ट्रॉफियां हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लो, ये 100% आना है। जैसे ये लिस्ट एक आपके सामने, अजलान शाह कप हॉकी से रिलेटेड है, एशिया कप क्रिकेट और हॉकी दोनों से, एसएच क्रिकेट से, ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस से, चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी और क्रिकेट दोनों से, डेविस कप लॉन टेनिस ये बहुत पूछा जाता है, डेविस कप लॉन टेनिस से, यूबर कप ये भी बहुत पूछा जाता है, यूबर कप तुम्हारा आपका बैडमिंटन से, थॉमस कप बैडमिंटन से, इसी तरीके से जौहर कप हॉकी से, राइडर कप गोल्फ से। ये जो मैंने अभी भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जो तो ये लिस्ट आपके पास में रह जाएगी याद करने के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया भारत का 28वां राज्य कौन सा है, तो ये है आपका झारखंड। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस कांड में MIC यानी कि मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और जब तक एग्ज़ाम पेपर बनता रहेगा ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बहुत कम ऐसा चांस होता कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। वन संरक्षण करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो ये आपका ही प्रदेश है मध्य प्रदेश, जो है वन संरक्षण करने वाला प्रदेश है। पंडित रविशंकर किस चीज़ से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए, इसके बाद देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश का तीर्थराज किसे कहा जाता है, तो ओंकारेश्वर को मध्य प्रदेश का तीर्थ कर कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है। फिर पूछा गया है कि टीकमगढ़ के पास कौन सी नदी बहती है, तो टीकमगढ़ के थोड़ा सा पास में एक नदी बहती है जिसका नाम है जामनी नदी। ठीक है, फिर से नदियों वाला क्वेश्चन, हमेशा से बता रहा हूँ कि नदियों वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर पूछा गया सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो सास बहू का मंदिर कछुआ वंश के महिपाल ने बनवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री से, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो होम रूल लीग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी इसको पढ़ लेते हैं,
कि होम रूल लीग आंदोलन, देखिए होम रूल का मतलब, होम का मतलब होता है घर, रूल का मतलब होता है शासन करना, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो थे हिस्ट्री में अपने, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये चीज़ बोली थी कि अब हम लोग होम रूल करेंगे, यानी कि घर से ही शासन करेंगे, इंडिया खुद शासन करेगा। तो ये 1916 में उन्होंने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगला, अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको चार पांच ऑप्शन दिए थे और पूछा गया था कि इनमें से किसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। फिर एक क्वेश्चन इसमें बनेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा, इसमें पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए दिए जाते हैं? तो देखिए इसमें पुरस्कार स्वरूप 5,00,000 रुपए दिए जाते हैं। तो एक अर्जुन पुरस्कार से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर इतना ही इतना पढ़ लिए तो भी 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। देखो अर्जुन पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, इस बार क्या हुआ है कि मणिपुर, ये जो आप देख रहे हैं मणिपुर की एक फुटबॉलर हैं बेम बेम देवी को पुरस्कार मिला है। ये बहुत खास बात है, इसको याद कर लेंगे, बेम बेम देवी का नाम। अब देखिए टोटल बेम बेम देवी के अलावा और भी जो 17 लोग जिनको इस बार पुरस्कार दिया गया है, ये वो लिस्ट है। इसमें से क्या करेंगे, क्रिकेट वाला इम्पॉर्टेंट है और एक जो मैंने अभी आपको मणिपुर वाला बताया। तो देखिए क्रिकेट में 2 लोगों को दिया गया है, चेतेश्वर पुजारा को मिला है और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को क्रिकेट में मिला है। ज़्यादातर क्रिकेट में ही पूछेगा तो इसको याद कर लेंगे हम लोग। तो ये तो थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस, और आगे जितने अभी इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, आगे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसका वीडियो मैं एक और बना दूंगा दूसरा, और हो सकेगा तो मैथ्स का वीडियो अलग से बना दूंगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक और चीज़ कि जिन लोगों को ज्योमेट्री सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ज्योमेट्री के ऊपर 4 लेक्चर बना रखे हैं, उनको मैंने अभी कल ही परसों में अपलोड किया है, आज भी 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। तो जल्दी से जल्दी जाकर उस वीडियो को देख ले, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर मुझे और वीडियो चाहिए, तो आपका जो भी टॉपिक आप बताएंगे मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।